हे गाइस, दिस इज सागर कुलश्रेष्ठ। वेलकम टू श्रेष्ठ इंडिया एजुकेशन। दोस्तों, यूपीटेट 2018 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आए थे और क्या क्या उनके ऑफिशियल उत्तर जारी हुए हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ उत्तर गलत भी हों, जो कि संशोधित होंगे अगर लोग आपत्ति करेंगे तो। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई उत्तर गलत है तो आप कमेंट में बताएं, एक कंपाइल करेंगे हम लोग वीडियो जिसमें आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इस पर सीटेट से रिलेटेड सारी की सारी सूचनाएं, तैयारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्राथमिक की भर्ती जो है उससे रिलेटेड सारी की सारी तैयारी मैं कराऊंगा। ये आप देख रहे हैं सेट ए है, सेट ए की आंसर की से मैं मिला रहा हूँ यहाँ पर, और ऑफिशियल आंसर की क्या कहती है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यस्टरडे टू ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हर्ट्स अवार्ड, सो देवर एग्जिबिटेड ए ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड करेज। हर्ष ए 12 ईयर ओल्ड बॉय सेव्ड अ लिटिल गर्ल फ्रॉम ड्रोनिंग इन द रिवर दैट फ्लोज अलॉन्ग हिज विलेज। गर्मा हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हर प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, कैसी नाउन है? तो जो आंसर की में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, यानी कि प्रॉपर नाउन। अगला है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव, ब्रेव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो जो उत्तर कुंजी में दिया हुआ है 62 का, वो दिया हुआ है 3। ये सेट ए है, याद रखिएगा। तो एडजेक्टिव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला आता है हमारा 63rd क्वेश्चन, जो 63 है। 63 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कौन सी है? तो जो धातु मेटल्स वगैरह होती है मटेरियल नाउन में आती हैं, तो गोल्ड जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा यहाँ पर। आते हैं 64 क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से कौन सी है? कनेक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि कोई चीज़ नहीं है ये, बॉय वुमेन प्लॉग ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन एक यहाँ पर दिया हुआ है आंसर की में। अगले पे आते हैं 65 पे, विच काइंड ऑफ प्रोनाउन इज एडवर्सिटी, तो जो उत्तर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, मैं डिटेल्ड नहीं बता रहा अभी, मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, डिटेल्ड हम एनालिसिस करेंगे जब संशोधित आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो भी डालूंगा डिटेल, जिससे कि आगे की तैयारी भी आपकी हो सके। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 पे, जो 66 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड, तो ही इज वर्किंग हार्ड में हार्ड कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ये किस तरह का काम किया जा रहा है कि यानी क्रिया किस तरह की हो रही है, तो एडवर्ब यहाँ पर होगी 66 का 1। अब बाकी देखिए क्या होता है, आंसर की जो है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 67 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ कंजंक्शन, तो जो जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड, शी इज पुअर बट शी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल, तो यहाँ पर इसमें थर्ड पर टिक लगा हुआ है और करेक्ट है ये, यही आंसर की में दिया हुआ है। इसमें जो टिक लगे हैं जरूरी नहीं कि वो सही भी हों, लेकिन मैक्सिमम सही होंगे, कुछ अगर गलत होते हैं तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ आंसर की के अकॉर्डिंग। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज़ का यूज़ होता है, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो बाकी विजिटेड वाला है थर्ड वाला, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसके अलावा शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट सिंपल सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट, आई शैल गो टू जाऊंगा फ्यूचर हो गया, तो फोर्थ करेक्ट आंसर है, अच्छी लैंग्वेज है, आसान है। और 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ड वर्ड, कौन सी स्पेलिंग गलत है वो आप देख के पहचानिए, डेसिकेशन, डिसेंडेंट, डेरोगेटरी, डर्माटिटिस, तो इसमें जो गलत है वो थर्ड है, डेरोगेटरी एक मिस स्पेल्ड वर्ड है। अगले पे आते हैं, अगला है हमारा प्रश्न 70 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया हुआ है सही होगा। अब आते हैं 71 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है? पहला है नहीं, नॉट नहीं लगा, यू कैन डू ऑल दिस नो टाइम, इसमें भी कोई नकारात्मक बात नहीं है, नो टाइम मतलब बिल्कुल जल्दी कर लोगे, ही डज नॉट लिसन टू मी, ये नहीं सुनता, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डज नॉट लगा हुआ है, दे आर वेरी जेंटल, फोर्थ भी नहीं है, तो 71 का थर्ड। 72 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्यसूचक सब जो है वाक्य, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, कैसी क्रिएशन है, किस तरह का आदमी है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो ये जो है पहला सेंटेंस है। और 72 आंसर की में भी इस फर्स्ट को ही बताया गया है उत्तर। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दे आर वेरी वाइज पीपल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखना है, तो वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ रेस्ट पर्सन, तो फोर्थ इसका सही जवाब है जो आंसर की में भी दिया हुआ है। अब आते हैं हम 75 क्वेश्चन पर, 74 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स
इज प्लूरल, कौन सा बहुवचन है, डॉग, फॉक्स, गोट, माइस, तो जो 74 का है 4 होगा, माइस जो है वही यहाँ पर सही उत्तर होगा। आते हैं 75 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो डॉग्स बहुत सारे हो गए, कैट्स बहुत सारी हो गई, कार्स बहुत सारी हो गई, मैथमेटिक्स सिंगल सब्जेक्ट, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर। अब आते हैं हम 76 पर, 76 से विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में कौन सा है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन नो टाइम, तो 76 का ऑप्शन 3 ही करेक्ट है। अब उसके बाद 77 पे आते हैं, 77 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या है, ही वॉज असिस्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बाई ए ग्रुप ऑफ, ही वॉज असिस्टेड, तो वॉज के साथ में भी देखिए असिस्टेड लगाया, तो ये ही है पैसिव वॉइस आपका, तो 77 का थर्ड। अब आते हैं 78 पे, 78 है दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग, तो 78 इसमें क्या करना है, वट इज द स्टेटस ऑफ द टू द, दो दो द हैं इसमें, तो क्या स्टेटस है इसका, वर्ब, नाउन, कंजक्शन, डेफिनेट आर्टिकल, तो क्या है इसमें, तो 78 का 4 होगा, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, निश्चित जो आर्टिकल होता है निश्चितकालीन। दो दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट, तो इन द एबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का वर्ड क्या है, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट, कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मस्कुलिन और नन ऑफ द एबव, तो स्टूडेंट्स हैं तो इसमें ना तो आपको पता चल रहा है पुरुष हैं कि स्त्री है, तो जो उत्तर होगा वो होगा कॉमन जेंडर, ऑप्शन 2। 80 का है इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, रोड के साथ, रोड पर जा रहा था, वट एवर, इसका उत्तर हिंदी में तो बहुत सारे हो सकते हैं, पॉइंट आउट द टेंस कौन सा है, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग द पास्ट कंटिन्यूस, जा रहा था, चल रहा था कंटिन्यूसली काम, तो 80 का जो उत्तर होगा वो होगा तीसरा। अब बात करते हैं 81 पर, लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है, राइटिंग, रीडिंग, लिखनी, स्पीकिंग, तो पहले सुनता है बच्चा, बोल भी नहीं पाता तो उससे पहले सुन रहा होता है, तो लिसनिंग से स्टार्ट होती है। अब आते हैं हम 82 क्वेश्चन, 82वें प्रश्न पर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, तो क्या है, फन के साथ बच्चे गाते हैं यूजुअली, तो एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम तो नहीं होना चाहिए आई थिंक, बाकी देखते हैं 82 क्या, टू ही है, टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं, टू गिव द ओपिनियन नहीं, द बिकम अवेयर ऑफ द पोएट, ये छोटी प्राइमरी क्लासेस में तो हो ही नहीं सकता, लैंग्वेज क्लासरूम है, तो टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, तो पोएट्री रिसाइटेशन, क्योंकि लैंग्वेज क्लासरूम है उसमें प्रोज भी होगा, तो बाकी ये मुझे पता नहीं, बहुत एम्बिगुअस सा लग रहा है आंसर, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, 83 पर, जो इसमें 82 का आंसर था वो दिया हुआ आंसर की में 2, 83 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, येस्टरडे आई सॉ ब्लैंक यूरोपियन राइडिंग ऑन ब्लैंक एलिफेंट, तो एन एलिफेंट होता है, तो इसमें जो आर्टिकल करेक्ट भरा जाएगा 83 का वो होगा 2, ए और एन, येस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, तो ये दिया हुआ 83 का सेकंड ऑप्शन इसमें दिया है आंसर की में। 84 चूज द करेक्ट सेंटेंस, 84 का है सेकंड, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, डिस्क्राइब के साथ जो है कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई जाती, अपने आप में ही वो एक कंप्लीट फ्रेज है। बाकी 85 का देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन, ए प्रिजनर वाज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के साथ हमेशा लगता है ऑफ, तो ऑप्शन इसका सही है आंसर की में भी जो दिया है 1, यानी कि ऑफ। अब अगला जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न है 86, द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज, तो फोर्थ इनोसेंट मतलब आपका मासूम और गिल्टी, जिस पर जिसने कुछ जुर्म किया हो, तो फोर्थ यहाँ पर दिया है आंसर की में भी, और यही है इसका एंटोनिम, विलोम शब्द, द सिनोनिम यानी कि जो उसका पर्यायवाची होगा सिग्निफिकेंट का वो होगा मैग्निफिकेंट, इसमें दिया हुआ है 87 में, और लेकिन ये गलत दिया हुआ है, इसमें जो आंसर किया दिया है वो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट पीस ऑफ वर्क होता है कभी, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क होता है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, जो आंसर की में दिया है मुझे भी लगता है सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग ए सफिक्स en, तो en सफिक्स आपको जोड़ना है, बॉक्सिन, टैक्सिन, मैक्सिन आप जोड़ नहीं सकते, ऑक्सिन, तो क्या बन सकता है, तो 88 का फोर्थ ox, यही करेक्ट ऑप्शन है जिसमें सफिक्स जोड़ा जाता है en। 89 क्वेश्चन है, दिस ड्रेस इज ब्लैंक एंड दैट वन इज माइन, दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन, दिस ड्रेस इज अवर बुक नहीं हो सकता, दिस ड्रेस इज योर तो नहीं होता, योर्स, तो इसमें होगा 89 का ऑप्शन 2, योर्स। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस इन टू द पैसिव वॉइस, तो 90 है यहाँ पर, अंतिम है इस सेक्शन का। हैव द गर्ल्स आस्क्ड द क्वेश्चन, क्या गर्ल्स ने क्वेश्चन पूछा, दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड बाई, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसमें सेकंड जो है आंसर वही सही होगा, हैज द क्वेश्चन, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाई द गर्ल्स, तो ये सेकंड है। यहाँ पर आपका ये सेक्शन खत्म हो गया है। अब सेकंड लैंग्वेज का अगर संस्कृत जिन लोगों ने लिया, तो अगली वीडियो में संस्कृत भी डालने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं आंसर की आपको
पीडीएफ में, और ये पेपर जो है वो पीडीएफ में आपको लिंक पे मिल जाएगा, अभी मैं लिंक भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोस आती जाएं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।